डॉक्टर सबरवाल यहाँ गई तो उन्हें एक मिनट नहीं लगेगा सबको ये बताने में कि मैं प्रेग्नेंट नहीं। आर्यन किस तरह के भाई हो तुम? तुम्हारी बहन इतनी मुसीबत में, तुम कुछ नहीं कर रहे, बस बुत बने खड़े हो। मलिका, ओ गॉड, मलिका बेटी, मॉम, बेटी जस्ट हैव लिटिल मोर पेशेंस। डॉक्टर सबरवाल घर पे नहीं थे, लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो। देखो मैं वापस आ गई हूँ, लेकिन अरमान अभी भी तुम्हारे लिए डॉक्टर को ढूंढ रहा है। वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी डॉक्टर को जरूर ढूंढ के लाएगा। अरे फिक्र तो मेरी अब शुरू हुई है, अब मेरा क्या होगा? नहीं नहीं मॉम, देखिए ना, आपके जाने के बाद मुझे अब थोड़ा ठीक लग रहा है मॉम। सीरियसली मुझे डॉक्टर की अब कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, शी इज एब्सोल्युटली फाइन। बिल्कुल नहीं मलिका, यू कांट अफोर्ड टू बी केयरलेस नाउ। डॉक्टर साहब आ गए हैं, वो सब कुछ देख लें। जल्दी मलिका, जल्दी कुछ सोचो वरना। लुक मिस्टर सुरीप, मुझे इनका पूरा चेकअप करना पड़ेगा। बाय बाय बहना, लगता है तुम्हारा गेम खत्म हो गया। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मॉम एक मिनट बात तो सुनिए मेरी। मलिका क्या है बेटे? मॉम वो एक्चुअली जरा सोचिए ना, मैं एक मेल डॉक्टर से चेकअप कैसे करवा सकती हूँ मॉम? अगर लेडी डॉक्टर होती तो बात अलग थी ना बेटे। इट्स एन इमरजेंसी ना। नहीं मॉम, वाकई में आप समझती नहीं, कोई इमरजेंसी नहीं है। मतलब ये कि देखिए ना, मैं अब ठीक हूँ मॉम। मलिका अभी थोड़ी देर पहले तुम इतना ज्यादा दर्द हो रहा था और अब तुम डॉक्टर साहब से चेकअप नहीं करवाना चाहते। तुम्हें ऐसा मजाक रखते हैं, तुम अच्छी तरीके से जानते हो ये हमारे होने वाले बच्चे का सवाल है और तुम। मॉम आप अरमान को समझाइए ना। अरमान बेटे एक सेकंड, अगर कोई बहुत सीरियस बात होती तो मलिका इतनी जल्दी अच्छी नहीं हो जाती। प्रेगनेंसी में थोड़ी बहुत तकलीफ होना नॉर्मल बात है। अब अगर वो मेल डॉक्टर से अपना चेकअप नहीं कराना चाहती तो। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि दिवाली की रात को मैं फीमेल डॉक्टर कहाँ से लूँ? आई अंडरस्टैंड बेटे, आई अंडरस्टैंड एंड आई नो कि तुम कितने कंसर्न हो, लेकिन अगर एक औरत की मॉडेस्टी उसे परमिट नहीं करती कि एक मेल डॉक्टर से चेक करे तो ये उसका हक है, इसकी उसकी चॉइस है। लुक मिस्टर सुरी, इट्स ऑल राइट, आई कैन अंडरस्टैंड। वो चेकअप नहीं करवाना चाहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी उनकी तबीयत तो ठीक ही लग रही है। हाँ अगर कोई इमरजेंसी है तो मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही। जी आप एक काम करिए, इनका आप थोड़ा ख्याल रखिए, इनके साथ रहिए। यू सी मिस्टर सुरीप, ऐसी कंडीशन में एक पत्नी का पति उसका सबसे बड़ा सहारा होता है। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। गुड नाइट डॉक्टर। मैं आता हूँ डॉक्टर साहब, मैं तुम्हारे लिए जूस लाती हूँ। थैंक यू। क्या लग पाया है तुमने? आई डोंट बिलीव इट मलिका, तुम फिर बच गई। मगर अब सोचने वाली बात यह है कि तुम कब तक अपनी शादी को बनाए रख सकती हो। जब तक तुम्हारा यह प्रेगनेंसी का झूठ बना है तब तक अरमान तुम्हारा पति बना है। जिस दिन सच बाहर आ गया उस दिन अरमान तुम्हारे हाथ से गया, फिर उसे जस्सी के पास वापस जाने से कोई रोक नहीं पाएगा और ये झूठ कभी ना कभी तो बाहर आना ही। मैं जानती हूँ कि सच कभी ना कभी बाहर जरूर आएगा पापा जी, लेकिन राघव के परिवार ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना साथ दिया मेरा कि जब राघव के पापा जी ने मुझसे बस कुछ पलों की खुशियाँ मांगी तो मैं मना नहीं कर सकी, मैं उनसे सच नहीं कह सकी। जिस बात का फख्र है कि तू मेरी बेटी है, तो अपनी खुशी के बारे में इतना नहीं सोचती जितना कि दूसरों की खुशी के बारे में सोचती है। ठीक है बेटा, मैं अब रखता हूँ, तू अपना ख्याल रखना। हाँ जी, बाय बाय। तुम जानती हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? लेकिन कहने की जरूरत नहीं है। नहीं कहना पड़ेगा, क्योंकि जो भी तुम मेरे लिए कर रही हो, मेरे डैड के लिए कर रही हो, लोग अपनों के लिए भी नहीं करते। मैं ये सब तुम्हारे पापा जी के लिए इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मैं तुम सबको अपना समझती हूँ राघव। तुम्हारे पापा जी मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और मैं उन्हें अपना पिता समान, इसलिए ये सब कर रही हूँ बस।
कैसे तुम्हें कोई अपना ना समझे जैसी, कैसे तुम्हें कोई अपनाना ना चाहे, तुम हो ही इतनी अच्छी। फिर से सोचने लगे? नहीं, मैं सोच रहा था। क्या? कि तुम क्या सोचती हो? किस बारे में? अपने आने वाले कल के बारे में। मैं समझी नहीं। तुमने भी अपने बारे में कुछ सपने सोचे होंगे, तुम्हारी भी कुछ ख्वाहिशें होंगी, और तुम्हें यहाँ पर मेरी बीवी बन के रहना पड़ रहा है। Well, मैंने सबके बारे में कभी सोचा नहीं। सोचो, अगर तुम यहाँ नहीं होती तो शायद कोई ऐसा तुम्हारी जिंदगी में होता जो तुम्हें बहुत प्यार करता, तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ देता। और क्योंकि तुम यहाँ पर हो, तुम्हें ये सब नहीं मिल रहा है। मुझे किस चीज़ की कमी है राघव? यहाँ प्यार है, परिवार है, तुम हो। लेकिन अगर तुम वैसे वाले प्यार की बात कर रहे हो तो उसके लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। मेरे दिल में सिर्फ नफरत भरी हुई है और मैं किसी और चीज के बारे में सोच भी नहीं सकती। मतलब तुम्हारे दिल में प्यार के लिए कभी जगह नहीं होगी? शायद नहीं, शायद हाँ। एक्चुअली राघव, इस वक्त मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद है और जब तक वो मकसद पूरा नहीं हो जाता, मैं किसी और चीज के बारे में सोच भी नहीं सकती। और वैसे भी हमेशा के लिए मैं तुम्हारे इस घर में तो रह नहीं सकती ना। जैसे मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, मुझे बस थोड़ा सा समय और दे दो। जब तक तुम्हारा मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक तो तुम यहाँ रह सकती हो। तब तक मैं भी हिम्मत करके पापा को सब कुछ सच बता दूंगा। ठीक है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब तुम अपने पापा जी को सब कुछ सच सच बता दोगे। मेरे पास यही तरीका था जैसे तुम्हें कुछ पल यहाँ रोकने का, इसी उम्मीद पर कि कभी तो तुम्हारा मकसद पूरा होगा, कभी तो तुम्हारे दिल में फिर से प्यार के लिए जगह होगी, और मैं उस दिन तुम्हें अपने दिल की बात कहूंगा और तुम्हें जाने से रोक लूंगा हमेशा के लिए। तब तक मेरे दिल को तुम्हारा इंतजार रहेगा। मुझे सिर्फ हमारे बच्चे की फिक्र है मलिका, और इसीलिए मैं शायद तुमसे नाराज हो जाता हूँ। फिर मलिका, मुझे हमेशा ऐसा लगता रहता है कि कहीं तुम्हें और बच्चे को कुछ होना चाहिए। अरमान, तुम्हें क्या लगता है? मुझे इस बच्चे की फिक्र नहीं है। अब अगर मैंने इतना प्यार तुमसे किया तो क्या बच्चा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता? ये मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अरमान। मलिका, ये बच्चा मेरे लिए भी बहुत मायने रखता है, और अगर आज हम दोनों साथ में हैं ना तो सिर्फ इस बच्चे की वजह से। जब तक ये बच्चे का प्यार तुम्हें मुझसे बांधे हुए है ना अरमान, मैं तुम्हें इसी तरह अपने काबू में रख सकती हूँ। बस एक बार ये बच्चे का प्यार तुम्हारे दिल से उस जस्सी का प्यार हमेशा के लिए निकाल देना, सच में ये नाटक बंद कर दूंगी मैं। मलिका, मैं कुछ दिन हॉलीवुड के फिल्म प्रोजेक्ट में बिजी रहूंगा क्योंकि ये कुलमोहर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं तुम्हारे सामने हाजिर हूँ। मलिका, तुमने डॉक्टर का नाम क्या कहा? मैं कल उनसे मिलना चाहता हूँ। डॉक्टर? हाँ हाँ, मैं तुमसे तुम्हारे डॉक्टर का नाम पूछ रहा हूँ। क्या नाम है उनका? नीलू सेठी। डॉक्टर नीलू सेठी है उनका नाम। हाँ, पता नहीं मेरी याददाश्त को क्या हो गया आजकल, सब कुछ भूल जाती हूँ। हाँ अरमान, उनका नाम है नीलू सेठी। मलिका, कल उनसे अपॉइंटमेंट लेना मत भूलना। हम दोनों उनके पास जा रहे हैं कल सुबह। ओके, टेक केयर, बाय। बिग ब्रदर टू द रेस्क्यू अगेन। आर्यन, आर्यन, ये नीलू सेठी कौन है अब? है एक फेमस गायनेकोलॉजिस्ट, कहीं पे नाम पड़ा था उसका, लकीली याद आ गया। तुम्हें नाम तो याद आ गया,
लेकिन कल अगर अरमान वहां जाकर उनसे मिलने की जिद करेगा तब उन्हें कहां से लाएंगे? यही होता है ना मलिका, खतरा जबरदस्ती मोल लेने का अंजाम। इस बार तो बचा लिया मैंने तुम्हें, अगली बार शायद ना बचा पाऊं, इसलिए जस्ट बी एक्स्ट्रा केयरफुल नेक्स्ट टाइम। जैसी क्या फायदा ऐसी अच्छाई का, तुझे क्या जरूरत थी कि यहाँ रहने के लिए फिर से मान गई? नंदू, मैं यहाँ किसी नुकसान या फायदे के लिए नहीं रह रही हूँ, मैं यहाँ किसी की खुशी के लिए रह रही हूँ, इंसानियत के नाते। राघव ने मेरा मकसद पूरा होने तक का मुझसे वक्त मांगा, तब तक वो सही मौका देखकर अपने पापा जी से बात कर लेगा और कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। एक और बात है जो तू शायद समझ नहीं पा रही। क्या? जस्सी, सारी दुनिया वाले तुझे राघव की बीवी मानते हैं ना? हाँ। और राघव के घर वाले तुझे अपनी बहू? हाँ। और अगर कभी राघव इस झूठ को सच मान बैठा तो कभी सोचा क्या होगा? क्या? बेवकूफ, राघव को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, वो मुझे सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त समझता और कुछ नहीं। तुझे पूरी तरह से यकीन है? हाँ बाबा, वो मेरा अच्छा दोस्त है। पर तेरा बेस्ट फ्रेंड तो अब भी मैं ही हूँ ना। ले, तेरी जगह कोई ले सकता? अरे तुम लोग यहाँ बैठे हो? भाई नाश्ता लग गया, इतनी देर से तुम लोगों को ढूंढ रहा हूँ। और आजकल घर के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि अगर जस्सी टेबल पे ना हो तो मुझे कोई पूछता ही नहीं है, इसलिए आप लोग जरा जल्दी करेंगे क्योंकि मेरे पेट की हालत काफी खराब हो रही है। तुम चलो राघव, हम अभी आते हैं। ओके। नंदू, ये सारी बातें करने के बजाय ना तो करिश्मा के बारे में सोच, और ये सोच कि हमको अपनी कंपनी को आगे कैसे बढ़ाना है। मैं आप सबको बता भी नहीं सकता कि ये प्रोजेक्ट हम सबके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हमें सिर्फ एक बार मिस्टर बिमल भट्टाचार्य को इंप्रेस करना है और उसके बाद। देखो, मुझे नहीं लगता है कि हमें फिल्म या फिल्मों के कॉस्ट्यूम्स के चक्कर में पड़ना चाहिए, और ये फैसला लेने से पहले तुमने हमसे पूछा तक नहीं। आर्यन, पहली बात तो ये कि आजकल फिल्में पब्लिसिटी का बहुत अच्छा जरिया होती हैं, और चूंकि हॉलीवुड की फिल्में, इसलिए शायद ये भी हो सकता है कि हमारा नाम पूरी दुनिया में रोशन। और दूसरी बात, मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं। अच्छा, ये मत भूलना। मानो भी मत भूलो कि ऑल राइट काम डाउन बोथ ऑफ यू। आर्यन, इस बात पर मुझे अरमान के साथ होना पड़ेगा। अगर हमें इंटरनेशनली आगे बढ़ना है तो इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा हमें। कम से कम अरमान को एक मौका तो दो। अंकल, किसी भी मौके का फायदा उठाने के लिए तैयारी की जरूरत होती है। क्या अरमान के पास कोई प्लान रेडी है? प्लान कल तक मिल जाएगा। हमें कोई भी काम कल पर नहीं छोड़ना नंदू, जो भी करना है आज से करना है, जो भी प्लानिंग करनी है आज से करनी है। जैसे प्लान तो तब होगा ना जब पता है रिक्वायरमेंट क्या है। हमें तो सिर्फ ये पता है कि कोई ऐतिहासिक फिल्म है। ऐतिहासिक फिल्म नहीं, ऐतिहासिक फिल्म का रीमेक है, और बस एक बार हमें ये पता चल गया ना कि वो रीमेक फिल्म कौन सी है तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। पर जैसे यहाँ आने से क्या होगा, मुझे यहाँ क्यों ले आई? नंदू, अगर अरमान को ये पता करना होता ना कि वो कौन सी फिल्म है तो वो सबसे पहले डीवीडी लाइब्रेरी में आता। हमें डीवीडी लाइब्रेरी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं आ रही। मैं उस दिन बिमल से बात कर रहा था और बातों ही बातों में उसने मुझे बताया कि वो इतिहास की एक बहुत ही मशहूर रानी पर फिल्म बना रहे हैं। अब हमें सिर्फ इतना पता लगाना है कि रानी है तो कौन। हम लोग ऐतिहासिक फिल्में ढूंढ रहे हैं, आप हमारी मदद कर सकते हैं? देखिए, लाइब्रेरी तो पूरी ऐतिहासिक फिल्मों से भरी पड़ी है, गांधी, बेनहर, आपको कौन सी चाहिए? आप हमें ये बताइए कि ये सारी ऐतिहासिक फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, आम जनता में नहीं लेकिन बड़े डायरेक्टर्स में, एक्टर्स में। यहाँ पे तो काफ़ी सारे लोग आते होंगे ना? हाँ हाँ, मेरे यहाँ बड़े बड़े स्टार्स आते हैं, डायरेक्टर आते हैं, प्रोड्यूसर आते हैं। वैसे आपको क्या चाहिए? बिमल भट्टाचार्य भी तो है। क्या बिमल भट्टाचार्य? अरे उसका नाम मत दीजिए, पिछले 40 दिनों से एक डीवीडी लेके रिटर्न नहीं किया उसने। कौन सी फिल्म? क्लियोपैट्रा। क्लियोपैट्रा, पता चल गया। इसका मतलब हमारा कलेक्शन इजिप्ट पर बेस होना चाहिए। इजिप्ट? एग्जैक्टली। मैंने अपने सोर्सेस से फाइंड आउट करवाया कि उनके आर्ट डायरेक्टर्स ने पिरामिड्स बनाने के लिए बहुत सारे पत्थरों और रेत की बोरियों को ऑर्डर दिया है, तो इसका मतलब वो इजिप्ट फिल्म बना रहे हैं, और इजिप्ट की तो सिर्फ एक ही महारानी फेमस है,
क्लियोपैट्रा। और हॉलीवुड में इसी टॉपिक पर एक बहुत बड़ी फिल्म बन चुकी है, यानी वो इसी फिल्म का सीक्वल बना रहे हैं। और हमारी स्ट्रैटेजीज इन्हीं के आसपास बेस्ड होनी चाहिए, अंडरस्टैंड? हमें जल्द से जल्द अपने प्लान पर काम करना शुरू करना पड़ेगा। चार्ल्स, इजिप्ट के जितने भी पुराने डिजाइन हैं तुम उस पर रिसर्च करोगे। नाज़नीन, हाँ जैसे, तुम इसमें चार्ल्स की मदद करोगी और जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मुझे ला कर दोगी, ऑलराइट? हाँ। नंदू, ये सारे प्रोजेक्ट के बजट पर तुम काम करोगे। ओके, लेट्स गो। नंदू, इस बार मैं गुलमोहर से हारना नहीं चाहती। तू नहीं समझ सकता, उस पार्टी में मैं अपने आप को कितना छोटा महसूस कर रही थी। जैसी, तू कब से छोटे और बड़े होने के बारे में फिक्र करने लग गई? मैं अपने लिए नहीं नंदू, मैं अपने उसूलों के लिए बहुत बुरा मान रही हूँ। मिस्टर अरमान सूरी और उनका गुलमोहर, जिन्होंने हमेशा मुझे एक मिडिल क्लास लड़की होने का एहसास दिलाया, हमेशा मेरे उसूल और मेरी सच्चाई को नीचा दिखाया, मेरी मेहनत और मेरी वफादारी का जवाब सिर्फ फरेब और धोखे से दिया। अब और नहीं, बहुत सह लिया मैंने, अब मैं अपने हर हक के लिए लड़ूंगी। मैं इस दुनिया को दिखा दूंगी कि एक आम साधारण लड़की को भी जीतना आता है। जब तुम यहां थी तब गुलमोहर तुम्हारी कदर नहीं कर सका, लेकिन अब मैंने उस गुलमोहर को ही खत्म कर दिया। तब एक नया गुलमोहर, जैसा तुम चाहती थी बिल्कुल वैसा, और इस नए गुलमोहर की पहचान ही तुमसे। मैं हमेशा तुम्हारी याद को उस गुलमोहर की हर ईंट में जिंदा रखूंगा। अब गुलमोहर के हर काम में तुम्हारी छाप होगी। मैं बड़े प्यार से संवारूंगा तुम्हारे गुलमोहर को। प्यार करना भी तो तुम ही ने मुझे सिखाया था ना जैसे। सर, हाँ बोलो। आपने सुबह डॉक्टर नीलू शेट्टी का नंबर मांगा था ना? पर ये तो ऑस्ट्रेलिया का नंबर है। ये मैं कह रहा हूँ ना मैडम कि डॉक्टर नीलू शेट्टी 6 महीना पहले ऑस्ट्रेलिया जा चुकी हैं, तो आप उनके पेशेंट कैसे हो सकते हैं? तो ये बोर्ड अभी तक यहाँ क्यों लगा है? क्लिनिक अभी भी उन्हीं का है, पर अब यहाँ पे रागिनी मिश्रा बैठती है। Brilliant, big brother. हमेशा की तरह मेरी मदद करने के बजाय तुमने एक बार फिर से मुझे फंसा दिया। Come on, please, मलिका, मुझे क्या पता था इस ऑस्ट्रेलिया के बारे में? जो दिमाग में आया उस समय मैंने कह दिया। अरमान को अगर इस बार पता चल गया ना कि मैंने झूठ बोला है, तो वो सीधे मुझे डिवोर्स देकर उस जस्सी के पास वापस चला जाएगा। वैसे भी आजकल वो अरमान की तरह कम और जस्सी की तरह ज्यादा बातें करता है। कुछ अजीब सच्चाई का भूत सवार है उसके सर पर। अगर उसे पता चला ना कि मैंने झूठ बोला है, तो भूल जाना आर्यन की कभी तुम्हारी कोई बहन हुआ करती। अरमान का ही फोन है। तो उठाओ ना मलिका, उठा रही क्यों नहीं हो? एंड बी नॉर्मल, उसे शक हो जाएगा नहीं। कम ऑन, पिक इट अप। हाय अरमान, या ऑफ कोर्स, हाँ मैं बस अभी वापस आ रही हूँ। ओके, वापस अभी इसी वक्त बुलाए, बताया भी नहीं कि प्रॉब्लम क्या है। क्या हो गया, तुमने इस तरह अचानक बुला लिया? तो इस वक्त कहाँ से आ रही? मैं तो अपने डॉक्टर के यहाँ गई थी, तुमने तो कहा। मैंने जो भी कहा था उसे भूल जाओ। तुम्हारे डॉक्टर का नाम क्या? ऐसे नाम क्यों पूछ रहे हो? तुम तो जानते हो मेरी डॉक्टर का नाम है नीलू सेठी। हुआ यह कि मैंने नीलू सेठी से बात करी, जो पिछले 6 महीने से ऑस्ट्रेलिया में, ना वो तुम्हें आज मिली है ना कभी मिली थी मलिका। अब बताओ तुम कहां से आ रही हो? मैं पूछ रहा हूं तुम अभी कहां से आ रही हो मलिका?
मलिका, मैंने कहा मुझे जवाब चाहिए।